हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है जो वी सिल्क फाउंडेशन। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है जोविस का सिल्क फाउंडेशन, परफेक्ट ग्लो एंड फ्लॉलेस फिनिश विथ सनस्क्रीन। तो इसमें सनस्क्रीन भी है SPF 15, जो कि हेल्प करेगा हमारे स्किन को सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने में। और इसमें अर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, बीटरूट एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरीन भी है। तो काफ़ी सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अच्छे अच्छे हैं। कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल इसमें मिक्स्ड नहीं है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इसकी प्राइस है 265 रुपीज़ और क्वांटिटी है 30 ग्राम की। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे कॉस्मेटिक स्टोर से ले सकते हैं और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इजीली मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग में आती है और ये रोटेट होकर खुलती है, तो प्रोडक्ट लीक होने का कोई चांस नहीं है। पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है, स्टडी है, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये बाकी फाउंडेशन जैसी ही है, क्रीमी फॉर्म में है और कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा थिक है ना ही रनिंग है, और फ्रेग्रेंस भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्वीट सी स्मेल है। तो ये फाउंडेशन सिर्फ एक ही सेट में आती है, तो डिफ़िकल्ट होता है सेट चूज करने में, मैच करने में स्किन टोन के हिसाब से। ये सेट की फाउंडेशन फेयर स्किन टोन या मीडियम या लाइट स्किन टोन के लिए सूटेबल है, डार्क स्किन टोन या वेरी फेयर स्किन टोन के लिए ये सेट नहीं चलेगी। तो इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट वेट लगता है स्किन पे लगाने से, और ये स्मूथली स्किन पे अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। बट इसे ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो ये पैची या केकी सा नहीं लगता है, स्मूथ लगता है स्किन पे, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। तो इसकी क्वांटिटी बस थोड़ा सा ही लेनी होती है पूरे फेस और नेक के लिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एक ही लेयर लगाने से ये ज़्यादा कवरेज भी नहीं देती है, मीडियम कवरेज ही देती है, जिससे डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड नहीं हो पाती है। तो ये डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करता है स्किन पे, हैवी तो बिल्कुल भी नहीं लगता है और ये ऑलमोस्ट होल डे स्टे कर जाती है स्किन पे मॉर्निंग टू इवनिंग, और स्वेट भी नहीं आती है, जो मुझे काफ़ी अच्छी इसकी बात लगती है। तो ये फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन पीपल, ऑयली स्किन पीपल, नॉर्मल स्किन पीपल, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इसे लगाने के बाद स्वेट नहीं आती है, तो ये समर के लिए भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, तो आप समर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है रिजनेबल प्राइस के साथ, आपको इसे ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।